हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 8 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू करंट अफेयर्स जी के। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन डे एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले शुक्रवार को। ऑप्शन बी फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले शनिवार को। ऑप्शन सी सेकेंड फ्राइडे ऑफ जुलाई, जुलाई के दूसरे शुक्रवार को। और ऑप्शन डी सेकेंड सैटरडे ऑफ जुलाई, जुलाई के दूसरे शनिवार को। तो मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, यानी कि जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या टू, हाउ मच ग्रांट सैंक्शन्ड बाय द हांगकांग गवर्नमेंट टू द ओडिशा स्टेट ऑफ फानी साइक्लोन अफेक्टेड इंडिया। हांगकांग सरकार ने फानी चक्रवात प्रभावित भारत के ओडिशा राज्य को कितनी अनुदान राशि को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 9 करोड़ 9 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 6 करोड़ 6 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 13 करोड़ 13 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 15 करोड़ 15 करोड़ रुपए। तो ओडिशा जो राज्य है जिसमें कि फानी नामक तूफान आया था, फानी नामक चक्रवात आया था, उसके लिए ओडिशा राज्य को हांगकांग सरकार ने अनुदान राशि दी है और वह अनुदान राशि है 9 करोड़ से अधिक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 करोड़ 9 करोड़ रुपीज से अधिक मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन्ड एडिशनल अमाउंट फॉर रोड प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। भारत सरकार ने त्रिपुरा को सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 350 करोड़ रुपीज, 350 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 355 करोड़ रुपीज, 355 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 358 करोड़ रुपीज, 358 करोड़ रुपए, और ऑप्शन डी 360 करोड़ रुपीज, 360 करोड़ रुपए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 358 करोड़ रुपए, 358 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फोर, बिटवीन चेरापल्ली एंड रोसरू स्टेशन इंडिया हैज बिल्ट द लॉन्गेस्ट डिफ्लेशन टनल। चेरलोपल्ली और रोसरू स्टेशन के बीच भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया है? ऑप्शन ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उत्तर मध्य रेलवे ने, ऑप्शन बी सेंट्रल रेलवे केंद्रीय रेलवे ने, ऑप्शन सी साउथ सेंट्रल रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे ने, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साउथ सेंट्रल रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया है, जो कि चेरलोपल्ली और रोसरू स्टेशनों के बीच है। और यह सुरंग लगभग 6.6 किलोमीटर लंबी और 6.5 मीटर ऊंची है और इसकी आकृति घोड़े की पैर के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फाइव, द हॉर्स लेग साइज इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इज द लेंथ एंड हाइट ऑफ द टनल। घोड़े के पैर के आकार की भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग की लंबाई व ऊंचाई है। ऑप्शन ए 6.6 किलोमीटर एंड 6.5 मीटर, 6.6 किलोमीटर व 6.5 मीटर। ऑप्शन बी 6.6 किलोमीटर एंड 6.6 मीटर, 6.6 किलोमीटर वह 6.6 मीटर। ऑप्शन सी 6.5 किलोमीटर एंड 6.5 मीटर, 6.5 किलोमीटर व 6.6 मीटर।
और ऑप्शन डी 6.5 किलोमीटर एंड 6.5 मीटर, 6.5 किलोमीटर व 6.5 मीटर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6.6 किलोमीटर एंड 6.5 मीटर। यानी कि लंबाई है जो सुरंग की वह 6.6 किलोमीटर और जो ऊंचाई है सुरंग की वह 6.5 किलोमीटर, जिसको कि दक्षिणी मध्य रेलवे साउथर्न सेंट्रल रेलवे ने द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, रिलायंस जियो हैज कॉम्प्रोमाइज्ड विद डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर डिजिटल फ्लाइट। रिलायंस जियो ने डिजिटल साक्षरता पहल डिजिटल उड़ान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी टेलीग्राम, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेसबुक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, सेंट्रलाइज्ड एमएसएमई एंड सेंट्रलाइज्ड हब कॉल्ड रिटेल ग्रुप सीएन मार्ग हैव बीन सेटअप। सेंट्रलाइज्ड एमएसएमई और रिटेल ग्रुप नामक एक सेंट्रलाइज्ड हब की स्थापना की है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक ने, ऑप्शन डी केनरा बैंक ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, वेयर इंडियाज फर्स्ट डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैसनोवा हैज स्टार्टेड। भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र फैसनोवा कहां शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी सूरत गुजरात में, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत गुजरात में। यानी कि गुजरात का जो सूरत शहर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो टेक्सटाइल सिटी सूरत में जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।